नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण के एक खास इंटरव्यू में। यहाँ आज मैं गुड़गांव में हूँ और आज हमारे साथ हैं फूड हिस्टोरियन और पर्शियन स्कॉलर सलमा यूसुफ हुसैन। हाल ही में सलमा चर्चा में आई जब इनकी बुक द मुगल फीस्ट आई है। शाहजहां के दौरान रसोई में किस तरह के व्यंजन बनते थे और किस तरह के मसालों का प्रयोग होता था, कैसे कैसे एक क्रमिक यात्रा को पूरा किया है मुगलई भोजन ने, उस सब पे इन्होंने एक पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट को ट्रांसक्रिएट करके एक रोली पब्लिकेशन पे एक बुक उतारी है, जिसके ज़रिए इन्होंने फूड को, मुगलई फूड को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए रूबरू होते हैं आज सलमा यूसुफ हुसैन से। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप ये बताइए कि किस तरह से आपने ये बुक लिखी है। पहले, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इतना कष्ट किया और आप गुड़गांव तक आई और मुझसे मिलने की कोशिश की, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, अब आपका सवाल है कि मैंने किस तरह इसका अनुवाद किया। ये किताब जो है ये फ़ारसी की है और जब मैं फ़ारसी की एमए मैंने किया हुआ है और मैंने जब काम किया नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, तो मैंने सोचा कि ये मुग़ल्स ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, लाल किला बना लिया है, ताजमहल बना लिया है, तो इन्होंने ज़रूर कुछ खाने का भी किया होगा, क्योंकि कहते हैं कि इन्होंने खाना जो था उसको एक आर्ट बना दिया है। तो मैंने डिफरेंट कैटलॉग देखने शुरू किए और उसमें मुझे ये किताबें दो मिली। और प्रमोद कपूर जी जब लंदन गए तो उन्होंने एग्जीबिशन, मैन्यूस्क्रिप्ट का एग्जीबिशन जो था, उससे ये किताब छांटी और ये यहाँ लेकर के आए। ये शाहजहाँ के ज़माने की कुक बुक है कि रॉयल किचन लाल किले का जो था उसमें किस तरह के खाने बनते थे शाहजहाँ के ज़माने में। कोई ये सवाल पूछा जाता है कि पोर्चुगीज तो आ गए थे मगर इसमें मिर्च का जिक्र नहीं है, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये किताब शायद लिखी गई है शाहजहाँ के अर्ली पीरियड में, जब तक के मिर्च का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था जी। तो इसको ट्रांसक्रिएशन क्यों बोलते हैं, ट्रांसलेशन की जगह? ट्रांसलेशन वो होता है कि जो आप किताब को देखें और उसका एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप तर्जुमा कर दें, वो तो ट्रांसलेशन हुआ। अब ट्रांसक्रिएशन जो होता है कि उसमें जो टेक्स्ट है या उसमें जो मसाला है उसको आपने क्या बनाने की कोशिश की। तो हमने इस किताब की रेसिपी में से हमने खाना बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये भी डर था कि किताब छप जाएगी तो ख़रीदेगा कौन, अगर अच्छा होगा खाना या कुछ होगा तो वी विल हैव द रीडर्स आल्सो, वी विल हैव द बायर्स आल्सो। तो हमने खाना बनाने की कोशिश की और हमने रियलाइज़ किया कि हमने कुछ रेसिपीज़ बनाई और आई वॉज़ कॉन्फिडेंट कि ये रेसिपी सब बहुत अच्छी बनी। जैसे कि हमने अम्बा पुलाव बनाया। अम्बा पुलाव आप जब देखिए कितने सारे लोगों ने बना लिया और हर एक ने तारीफ की कि भाई अम्बा पुलाव तो बहुत अच्छा बना। उसके बाद जब मैं ITC में थी तो मैंने शाहजहाँ आबाद का एक फेस्टिवल किया था, उसमें हमने गोरख कबाब बनाया, इसी में से लिया हमने ना। गोरख कबाब वो तैर के आप चिकन पूरा भर लें मसाले से और ड्राई फ्रूट से, और उसको उन्होंने दम पर दिया है सिनेमन बेड पर, तो क्या वो दालचीनी की खुशबू उसमें पूरी बस गई। उसके बाद आपने वो चिकन उतारा, उसके टुकड़े किए एंड देन यू सर्व इट। इस तरह के हमने कई सारी चीज़ें इसमें से ली और हमने बनाई, एंड इसलिए इट इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिएशन बिकॉज हमने क्रिएट किया जी। और आपने अपनी एक और किताब जहांगीर की रसोई से जो आपने एक किताब लिखी अलवान नेमत, उसमें आपने बताया कि फूड गार्निशिंग और फूड डेकोरेशन का ट्रेंड नूरजहाँ के समय से शुरू हो गया था, ये कैसे हुआ था? क्योंकि जहांगीर तो मस्त मौला थे, वो तो ऐश करते थे और पावर जो था वो रानी के हाथ में था नूरजहाँ के। अब बाहर से लोगों का आना शुरू हो गया था, डच भी आए, फ्रेंच भी आए, पोर्चुगीज़ भी आए, अंग्रेज़ों का भी आना शुरू हो गया था। तो उन लोगों ने देखा कि भाई पावर तो सारा क्वीन के पास है, तो इसको किस तरह खुश करें ना। नूरजहाँ अपनी क्रिएटिविटी के लिए बहुत मशहूर थी, उन्होंने काफ़ी सारी, जैसे कि आज हम देखते हैं टेक्सटाइल पर अम्बा का प्रिंट, वो नूरजहाँ की ईजाद है। इधर गुलाब का उन्होंने ईजाद किया, तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें वो करती थी और उनको खाने का भी शौक था और गार्निशिंग करती थी, तो उन्होंने छोटे छोटे मोल्ड्स लाके दे दिए उनको। अब वो मोल्ड्स के अंदर जेली जमाती थी और उसको निकाल के उससे पुलाव सजता था। उसके बाद कलर होने लगा, खाना बनता था सिर्फ आप घी में बना लीजिए, तेल में बना लीजिए, मगर उन्होंने खाने को रंग दिए। आप देखिए पुलाव बनता था 6 रंग का पुलाव, इट इज़ कॉल्ड शिशरंगा। अब 6 रंग कहाँ से आए? आपने पालक का जूस डाला, हरा हो गया, चावल उसमें कर लिए। आपने ज़ाफ़रान डाला, वो पीला हो गया। आपने चुकंदर भी टूट लिया, वो डार्क रेड हो गया। फिर उस ज़माने में शंकर नामक फूल होता था, उससे लाल हो जाता था।
तो ये ओरिजिनल वेजिटेबल डाइज होते थे जिनको इस्तेमाल करते थे, और ये उन्हीं का ये था, क्रिएशन था। और ये रॉयल किचन जो था, क्वीन को खुश करने के लिए तरह तरह के ईजाद करते रहते थे, और इस वजह से खाना जो था वो आगे बढ़ता गया और कलरफुल होता गया। कल मैं बता रही थी किसी को, क्या आज हम बर्थडे केक पर आइसिंग करते हैं, फूल बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं, उसको कहते हैं नाम भी लिख लेना। उस ज़माने के अंदर ये छोटे छोटे शगुफे, छोटे छोटे फूल बनाती थी काय से, शकर और आटे से, मैदे से, और फिर उनको रंग होता था, उसको डुबो देते थे तो हरा हो जाता था पत्ता, और पील फूल जो है वो लाल हो जाता था, कोई पीला हो जाता था। तो इस तरह से वो शगुफे भी बना करके दाल पर वो पुलाव पर वो करती थी। उसके बाद वो एक था मोती पुलाव, बहुत मशहूर है मोती पुलाव। अब मोती पुलाव कैसे, मोती तो पढ़ नहीं सकते थे, मगर अगर आप पुलाव को देख लें तो आपको लगे कि वाकई मोती है, और खाने वाला सोचे मैं खाऊं कि ना खाऊं, पता नहीं मोती खा के मेरा हसर क्या होगा। वो मोती बनते थे कि आप चिकन का हिस्सा फिगर्स ले लें, पर उस ज़माने के चिकन मोटे ताज़े हट्टे कट्टे हुआ करते थे, आज के ज़माने के नहीं होते थे। उसके अंदर अंडे की सफ़ेदी फेंट लेते थे, और उसमें चांदी का वरक या सोने का वरक भी मिला लेते थे, और वो इसक विकज में वो भर देते थे, और उसके बाद तागा बांध देते थे, और फिर उसको गरम गरम पानी में डुबो देते थे। तो अंडे की सफ़ेदी थी वो जम जाती थी, थोड़ी देर के बाद पानी में रख करके उसको तागा खोल के दबाते थे तो मोती निकल आते थे। सो इस तरह की क्रिएशन भी थी, और इस तरह का जो कि आपको अलवाने नेमत में मिलता है मगर शाहजहानी में नहीं मिलता जी। आपने राष्ट्रपति भवन के भोजन पे भी काफ़ी शोध किया है और एक बुक लिखी है, तो उसके लिए क्या किया था आपने? राष्ट्रपति भवन का मुझे इन्होंने कमीशन किया कि आप राष्ट्रपति भवन के किचन पे काम करिए। मैंने कहा प्रणब मुखर्जी पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने किचन को इतनी इम्पोर्टेंस दी, और कहा कि आप करिए। 1930 से लेके जब नई दिल्ली का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त से लेकर अब तक राष्ट्रपति भवन के किचन में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, ये किचन कितना कितना बदला और इसमें क्या क्या ईजाद हुआ, तो हमने इस पर काम करना शुरू किया। आई वर्क फॉर अबाउट 8 months इन राष्ट्रपति भवन ऑन दैट बुक, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन दैट बुक बिकॉज देर वॉज नो रिकॉर्ड। राष्ट्रपति भवन के लाइब्रेरी में कोई रिकॉर्ड हमको नहीं मिला, तो हमने खोज शुरू की पुराने कुक्स जो थे रिटायर हो गए, जो जिंदा हैं अभी, उनको या उनके बेटे या उनके ग्रैंडसन, जिनको थोड़ी बहुत यादें दी। मैं पूना तक गई, मैंने प्रतिभा जी से बात करी, उनसे कुछ मिला हमको मटेरियल, कुछ हमको ये पुराने कुक से मिला, और कई लोग जो हैं जिनके फोर फादर्स काम करते थे और उनकी फैमिलीज अब भी राष्ट्रपति भवन में रहती हैं, उन्होंने हमें कुछ कुछ बताया। इस तरह हमने वो किताब को कंप्लीट किया और बताया कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन का किचन जो है कहाँ से कहाँ तक हुआ, आगे बढ़ा। सबसे ज़्यादा उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है कलाम साहब का। कलाम साहब ने रियलाइज़ किया कि यहाँ के कुक बेचारे जो बैंक्वेट का खाना बनाते हैं और हम इतना नाम हासिल करते हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन के किचन को मॉडर्नाइज किया, और उसको प्रतिभा पटेल पाटिल जो थी उन्होंने उसको कंप्लीट किया, क्योंकि जब तक कि उन्होंने पेपर वर्क कलाम साहब ने किया था उनका टर्म ख़त्म हो गया, और फिर प्रैक्टिकल व्यू जो था वो प्रतिभा जी ने किया। इस तरह जाके राष्ट्रपति भवन का किचन जो था एक मॉडर्न किचन बन गया, और उसमें हमने दो रेसिपी भी लिखी, और इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू टॉक टू द पीपल एंड फाइंड आउट। और आज का जो भोजन है जो मुगलई भोजन के नाम पे मसालेदार तला भुना ये सब परोसा जाता है, उसको लेके आपका क्या कहना है, उस दौर का भोजन जो असल मुगलई भोजन हुआ करता था? अब ऐसा हो गया है कि आप होटल्स में जाइए या रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको मिलेगा अकबरी कौरमा, नूरजहानी बिरयानी, शाहजहानी पुलाव फलाना, मगर ये सब नाम है जो उनके नाम से जुड़ गए हैं, मगर असल में देखा जाए अब मुगलई खाने के नाम पर जो बिकता है वो मसाला और तेल है। अगर हम देखें तो ये किताब आपने पढ़ी होगी नुस्खे शाहजहानी, जिसमें सिर्फ 4 मसाले यूज़ होते थे, यानी जो खाना पकता था, जैसे आपने मुर्ग पकाया या आपने गोश्त पकाया तो आप खाते हैं तो आपको उसका मज़ा तो आना चाहिए ना, मगर अब हमको सिर्फ मसालों का मज़ा आता है, हमको खाने का वो चीज़ का मज़ा नहीं आता है। उस ज़माने में ये था कि खाना पकाया जाए स्लो आग पर, वो अब हम नहीं करते। आजकल आप देखिए
बड़ी वाह वाह हो रही है, सब जगह चर्चा हो रहा है कि भाई स्लो कुकिंग होनी चाहिए, अब कुकर भी निकल गए। ये उस ज़माने का चलन है कि खाना जो था वो सिगड़ी की आग पर पकता था या लकड़ी की आग पर पकता था और आहिस्ता आहिस्ता पकता था। आपको वो अलवान नेमत में एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर भी है, उसमें है कि आग आप कैसे कंट्रोल करते थे। खाना क्या है, आग पानी का खेल है, आग दुरुस्त होनी चाहिए, पानी बराबर होना चाहिए, खाना अच्छा बनेगा। तो पंखे से वो आग जो है चूल्हे के पर जब खाना रखते थे और उनको सिम चाहिए था, तो हम तो आज गैस कम कर देते हैं, वो एक पंखे की हवा देते थे, कोयला कर देते थे, बीच में राख रहती थी, उस पर पतीली रहती थी और सिम कर देते थे, तो हल्की हल्की आग पहुँचती। अब मीडियम का ही आपको चाहिए तो आपने दो पंखे की हवा दे दी, और आपको अगर ज़्यादा आग चाहिए तो आपने कोयला बीच में कर दिया और तीन पंखे की हवा दी। इस तरह आपकी आग जो थी वो भड़क उठी और वो तेज़ हो गई। तो इस तरह वो कंट्रोल करते थे। इसी तरह उस ज़माने में भी स्टीम किया जाता था खाना। अब तो हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स हैं कि हम स्टीमर ले लेते हैं और स्टीम कर लेते हैं। उस ज़माने में वो पतीली के अंदर पानी खौलाते थे, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रखते थे, उसके ऊपर घास रखते थे, फिर उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रखते थे, उस पर चिकन फिश जो भी रखना था वो रख के उसको स्टीम करते थे। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो उन्होंने हमें दी, और उन्होंने हमें बताया कि खाने को हम किस तरह बेहतर और अच्छा बना सकते हैं अगर हम ज़रा सी कोशिश करें, थोड़ा सा वक्त दें और शौक हो। तो सुना आपने कि लजीज खाना बनाने के लिए मसाले और तेल की ज़रूरत नहीं है, बस आपका शौक, आपकी भावनाएं होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद, आपने इतनी जहमत की और आप यहाँ आए।